जय हिंद साथियों, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट ये है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द सेम ऑफ अ सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल है वो सिलेंडर की शेप में है, विद टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, और इसके दो सिरे हैं उन पर हेमिस्फीयर चिपके हुए हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, कि जो पूरी लेंथ है कैप्सूल की वो कितनी है, वो 14 मिलीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, और जो उस कैप्सूल का डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, हमने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेंगे। लेट अस गिवन दैट जो गिवन है वो है हमारे पास टोटल हाइट एच, कैपिटल एच वो है 14 मिलीमीटर, ये है। और आप देख सकते हो जो कैपिटल एच है वो एक्चुअली में ये है, ये हमारे पास है, और जो कैपिटल एच है वो है आर प्लस एच प्लस आर। मीन्स जो कैपिटल एच है वो हमारे पास आर प्लस एच प्लस आर है। मीन्स आर प्लस आर दैट इज 2 आर प्लस एच, ये है हमारे पास कैपिटल एच। तो चलिए ये हमारे पास है 2 आर प्लस एच, और जो गिवन है डायमीटर है कैप्सूल का वो 5 मिलीमीटर है। मींस जो डी है वो हमारे पास 5 मिलीमीटर है। तो अब हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। और आप यहां देख सकते हो अगर हम कैप्सूल को ब्रेक करें तो हमारे पास दो हेमिस्फीयर मिलेंगे और एक सिलेंडर मिलेगा। मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज सम ऑफ टू हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो हेमिस्फीयर का जो एरिया होगा वो 2 × 1 हेमिस्फीयर का एरिया होगा 2 π r का स्क्वायर प्लस, और अब सिलेंडर का एरिया हम सभी जानते हैं वो होगा 2 π r × h, ये होगा। और यहां पर जो ये h है वो स्मॉल h है बिकॉज हाइट ऑफ द सिलेंडर इज स्मॉल h। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हो 2 π r, 2 π r कॉमन है तो 2 π r आ गया कॉमन, और अंदर बचा यहां पर बचा बचा 2 r प्लस यहां पर बचा h, तो ये इक्वल होगा पाई इंटू 2 × r दैट इज डायमीटर इंटू, और हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि 2 r प्लस h वो किसके बराबर है, वो कैपिटल H के बराबर है। अब आप सिंपली वैल्यू पुट कर सकते हो, मींस 22/7 इंटू कैपिटल D का वैल्यू है जो वो 5 है, इंटू हमारे पास जो कैपिटल H का वैल्यू है वो 14 है, ये हो गया मिलीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखिए 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, तो ये आया हमारे पास 5 × 2 दैट इज 10, 10 × 22 दैट इज 220 मिलीमीटर का होल स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और आप देख सकते हो यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। कि हमारे पास एक टेंट है जो किस शेप का है, सिलेंडर की शेप का है, और उसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, जो गिवन है वो ये है, जो हमारे पास हाइट है वो हमारे पास 2.1 मीटर है, और इसी प्रकार जो हमारे पास डायमीटर है वो 4 मीटर है।
अगर डायमीटर हमारे पास 4 मीटर है तो जो रेडियस होगी वो हमारे पास 2 मीटर होगी, हाफ ऑफ द डायमीटर। आगे है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, कि जो हमारे पास स्लैंट हाइट मींस एल है वो है 2.8 मीटर, ये गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द कन्वेक्स यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, हमने एरिया फाइंड आउट करना है कन्वेक्स का। और सेकंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कन्वेक्स फॉर द टेंट ऑफ द टेंट एट अ रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, मींस जो रेट है वो गिवन है हमारे पास 500 रुपीस पर मीटर, ये गिवन है। तो सबसे पहले चलिए एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब अगर हम एरिया फाइंड आउट करें कन्वेक्स का, तो आप यहां यूज देख सकते हो जो एरिया होगा वो सिलेंड्रिकल पार्ट का होगा प्लस एरिया ऑफ द कोन होगा, मींस यहां पर आएगा एरिया ऑफ द कोन दैट इज पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ द सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर इनटू एल, ये होगा। अब आप यहां देख सकते हो पाई आर वो कॉमन है, तो अंदर बचेगा हमारे पास एल प्लस 2 एच, ये बचेगा। अब देखिए पाई आर वैसे का वैसा, एल का वैल्यू है जो वो है 2.8 मीटर प्लस 2 इंटू जो एच का वैल्यू है वो है 2.1 मीटर। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये होगा पाई आर और जो 2.8 प्लस जो ये होगा वो होगा 4.2 और 4.2 प्लस 2.8 ये होगा 7। अब पाई का वैल्यू रखिए, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है जो वो है 2 मीटर इनटू जो इसका वैल्यू है वो है 7, 7 इज कैंसल विद 7 तो 22 × 2 दैट इज 44 मीटर का स्क्वायर। और ये क्या है, ये है एरिया ऑफ द कन्वेक्स। इसी प्रकार अगर हम कॉस्ट निकाल लें तो कॉस्ट होता है जो वो होता है एरिया, टोटल एरिया इनटू रेट, ये होगा। और जो एरिया है वो हमारे पास 44 है मीटर का स्क्वायर इनटू जो रेट है वो हमारे पास है 500 पर मीटर का स्क्वायर। अगर हम इस किस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो ये होगा 22,000 रुपीस। और आप देख सकते हो कि जो कॉस्ट है वो हमारे पास 22,000 है और यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. सबसे पहले जो given है वो लिख लेंगे। Let us given that, जो given है वो है height है जो cylinder की वो हमारे पास 2.4 centimeter है, और इसी प्रकार जो diameter है वो हमारे पास 1.4 centimeter है। तो यहां से अगर हम रेडियस को निकालना चाहें तो ये होगा 0.7 सेंटीमीटर, ये होगा। आगे है, ए कॉनिकल स्कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, जो सिलेंडर है उसमें हमने एक कोन काट कर बाहर निकाल दिया गया और उस कोन की जो हाइट है वो इक्वल है हाइट ऑफ द सिलेंडर और जो डायमीटर है वो इक्वल है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर के। तो हमें निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियर सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है नियर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले यहां पर कोन होगा, तो कोन के लिए हम एल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम सभी जानते हैं एल स्क्वायर इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा R का वैल्यू है जो वो है 0.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस H है जो दैट इज 2.4 सेंटीमीटर और 0.7 का होल स्क्वायर दैट इज 0.49
प्लस 2.4 का होल स्क्वायर दैट इज 5.76, और अगर हम इसको ऐड करें तो हमें मिलेगा 6.25, और 6.25 होता है जो दैट इज 2.5 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर इज कैंसिल विद स्क्वायर, तो जो एल का वैल्यू मिलेगा दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, ये मिलेगा। चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, सबसे पहले जो ये सिलेंडर है उसका एरिया होगा, मींस 2πRh प्लस जो ये हमारे पास कोन है उसका एरिया होगा, और जो कोन का एरिया है दैट इज पाई आर एल प्लस, और यहां पर जो ये है सर्कल है, जो ये सर्कल है जो, इसका एरिया भी इंक्लूड होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर ये बेस है तो यहां पर पाई आर स्क्वायर, तो ये होगा। अब देखिए यहां से पाई आर पाई आर पाई आर इज कॉमन, तो पाई आर आएगा कॉमन, अंदर बचेगा 2h प्लस यहां पर बचेगा l प्लस यहां पर बचेगा r, तो ये होगा पाई आर 2 इंटू एच है जो h है 2.4 सेंटीमीटर, प्लस l है जो 2.5 सेंटीमीटर, और जो r है वो हमारे पास है 0.7 सेंटीमीटर, तो ये इक्वल होगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, ये होगा। और अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमें जो मिलेगा पाई का वैल्यू देखिए, पहले पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है वो है 0.7, और 0.7 को मैं लिख सकता हूं 7/10 इंटू, और जो ये है आप ऐड करोगे तो ये होगा 8, तो 7 इज कैंसल विद 7, 22 की अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 176 और बाय 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और ये होगा हमारे पास 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन जो इन्होंने मांगा है वो है नियर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप यहां देख सकते हो जो 7.6 है वो किसके नजदीक है, वो 70 के नजदीक है या 18 के नजदीक है, तो आप देखोगे कि 17.6 है वो 18 के नजदीक है, तो जो अप्रोक्सीमेट एरिया होगा वो होगा 18 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और आप देख सकते हो कि यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो इसकी स्टेटमेंट ये है, ए वुडन आर्टिकल, एक लकड़ी का आर्टिकल है, वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड, कि हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है उसके दोनों तरफ हमने हेमिस्फीयर को कट कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर की हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और उसका जो बेस रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो हमने जो आर्टिकल है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है, लेट अस गिवन दैट जो गिवन है वो हमारे पास है हाइट, हाइट इज 10 सेंटीमीटर, एंड जो रेडियस है आर वो हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। अगर हम इसका डायमीटर निकाल लें तो डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, और 3.5 का जो डबल होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो जो टोटल सरफेस एरिया है वो इक्वल होगा सिलेंडर के एरिया, और जो सिलेंडर के एरिया है 2πR(h) ये होता है, प्लस 2 हेमिस्फीयर के एरिया, मींस 2 इंटू 1 हेमिस्फीयर के एरिया, और जो 1 हेमिस्फीयर का एरिया होगा
दैट इज 2πr² ये होगा। अब यहां पर 2πr वो कॉमन है, तो यहां पर होगा 2πr इज कॉमन और अंदर बचेगा h प्लस 2r, ये बचेगा। तो ये इक्वल होगा पाई इंटू 2 इंटू आर दैट इज डायमीटर d, h प्लस 2 इंटू आर दैट इज डायमीटर d, ये होगा। अब देखिए पाई इंटू डी कैपिटल H है जो दैट इज 10 सेंटीमीटर प्लस डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है, तो पाई का वैल्यू रखिए 22/7 इंटू डी का वैल्यू रखिए आप 7 और ये है 17, 7 इज कैंसल विद 7। अगर आप 17 की 22 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा हमारे पास 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो यही है